Android 12 का बीटा 4.1 लेटेस्ट अपडेट हमारे MIATOL डिवाइस के लिए रोल्ड आउट हो चुका है। वैसे फिलहाल में 1 डे से ऊपर हो चुका है यूज करते हुए, तो क्या कुछ है नया वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड्रॉयड वर्जन पे आपको 12 लिखा हुआ मिलता है, जहाँ पे टैप करने के बाद आपको क्लॉक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जैसे ही आप 12 कर दोगे टाइमिंग, आपको 12 का लोगो देखने को मिलेगा जो कि बीटा 4 में आ चुका था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और जिस तरीके का वॉलपेपर होता है सेम वही आपको पीछे का इफेक्ट देखने को मिलता है कलर का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे आपको अगस्त 5 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, 1 मे का गूगल सिस्टम है, और नाइट स्टार का आपको यहाँ पे कर्नल देखने को मिलता है। इसका जो बिल नंबर आपको दिखाई देता है वो है SPB4.2107 समथिंग, और ये बीटा 4.1 का लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसे पिक्सल के 4a डिवाइस से पोर्ट किया गया है हमारे इन चारों डिवाइस के लिए, यानी MIATOL डिवाइस के लिए। सिस्टम के अंदर आते हैं तो वही सारे आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ओपन कैमरा, वन हैंडेड, और यहाँ पे नेविगेशन बार वगैरह, और पावर बटन पे आपका यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह देखने को मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अगर इस अपडेट की बात करें कि आखिर नया क्या ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर, कुछ नया फीचर्स, जैसे कि कुछ टाइम पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला था वॉलपेपर स्टाइल का नया लुक, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नया आया नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो हुआ है, और नए फीचर्स के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एनिमेशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, बाकी इसके अलावा मैंने कुछ भी नया नोटिस नहीं किया है। और ये सेम अपडेट हमारे K20 Pro डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है, जिसका मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है, तो आपने नहीं चेक किया है तो चेक जरूर कर लेना, या अपने दोस्तों को सजेस्ट जरूर करना। बट इस 4.1 में कुछ भी मुझे नया ना ही K20 Pro के अंदर देखने को मिला, और ना ही यहाँ पे हमारे MIATOL के Poco M2 Pro के अंदर देखने को मिला है। वहीं पर अगर डिस्प्ले की ओर आते हैं तो आपको लॉक्स रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे नाउ क्लिंग वगैरह आप यूज कर सकते हो, बट मे भी आपको साउंड क्रैकिंग वगैरह का इशू आ सकता है, तो इसे आप ऑफ ही रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह आपके अच्छे से काम कर जाते हैं, कलर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टैप टू वेकअप यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगर चेक करते हैं हमारा टैप टू वेकअप तो आप देखोगे कि ये भी वर्किंग आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे अनलॉकिंग जो एनिमेशन है ये काफ़ी अच्छा खासा ब्यूटीफुल सा लुक में नज़र आता है, जो कि पहले से थोड़ा सा और इम्प्रूव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे लॉक करते समय भी आपको दिखाई देता है सम टाइम, और अनलॉकिंग के टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ में आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे आप चार्जिंग पे डालते हैं हमारे फ़ोन को, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है ये पहले से थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर रूप से नज़र आता है, जबकि पहले उतना ज़्यादा नहीं था। तो बस ये छोटे मोटे एनिमेशंस वगैरह और परफॉर्मेंस के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है जो आपको दिखाई देगा। और यहीं पर अगर बैटरी की बात करें तो मैंने यहाँ पे इसे यूज किया है हमारे इस फ़ोन के अंदर, और यहाँ पे मुझे बैटरी ड्रेन का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिला था, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, यानी यूजेबल था ही नहीं इतना आपको बैटरी ड्रेन दिखाई देता K20 Pro के अंदर। जबकि यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सही लगा है बैटरी, बाकी कस्टम रोम के कंपेरिजन में हल्का सा तो डाउन है, लेकिन बाकी अदर जितने भी अपडेट आए ना उनसे यहाँ पे मुझे बैटरी के मामले में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैमरा का गो वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम करता है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो या फोटो क्लिक वगैरह के लिए यूज कर पाओगे, दिक्कत आपको नहीं आने वाला। और रही बात परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है इस अपडेट के अंदर, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा हमारा सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट, जो कि ओवरऑल ठीक है, और यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है Antutu का स्कोर, जिसमें इसने CPU को ब्लैंक कर दिया है क्योंकि अलग से डाउनलोड हुआ था, तो ये भी ओवरऑल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कम नहीं होने की वजह से काफ़ी कम स्कोर दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे CPU टोटल की बात करें तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, जो कि आप देख पाओगे यहाँ पे 95 का देखने को मिला, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि वहीं पे अगर मैं अपने K20 Pro की बात करूँ तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे किस तरीके से बिल्कुल ही बेकार सा यहाँ पे CPU टोटल देखने को मिला है, कितनी बार भी चेक करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे हमें जो CPU टोटल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे सही लगा कि हाँ रियली में परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है। और यहाँ पे जो 96% आप देख पा रहे हो बैटरी, जब मैं इसे मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो ये 92 चला जाता है,
यानी 4% का बैटरी ड्रॉप होता है फुल नाइट में और कोई भी सिम कार्ड वगैरह नहीं डाला हुआ था। तो स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि सेम मुझे K20 Pro के अंदर भी देखने को मिल गया था। और डिवाइस अभी तक बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड नहीं रहता, तो आपको सेफ्टी टेस्ट वगैरह पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे कर पाओगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे यूज करना है, और कैमरा वगैरह का सैंपल भी अच्छे से वर्किंग दिखाई दिया है। और मेरे पोको M2 Pro के अंदर यहाँ पे L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। मे बी आप इसे जो 9 Pro या Pro Max के अंदर डालोगे तो शायद वहाँ पे आपको L1 देखने को मिल जाए, जबकि यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और ऑफिशियली इसके लिए Android 11 का MIUI अपडेट आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी अब हमें L1 का दिक्कत नहीं आएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस यही छोटे मोटे जो इम्प्रूवमेंट किए गए थे, ऐसा कोई बिग चेंज तो आया नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। तो अगर आप इसे यूज कर चुके हो ऑलरेडी तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, लेकिन अगर आप इसे यूज करने वाले हो तो यूज करके अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भाई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह के अपडेट्स का वीडियो आपके लिए लेके आ सके। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।